95% आने चाहिए। मैं खड़े खड़े आपका यह अस्पताल बंद करा सकता हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। थैंक यू तो परायों को कहा जाता है, आप तो हमारे अपने हैं। कौन सी मिट्टी से बने हो आप लोग? पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। इधर सब सीरियस हालत में ही आते हैं, लेकिन आज अपुन का बीवी अपना हालत सीरियस करने वाला है। क्यों, क्या हुआ? अपना हैप्पी एनिवर्सरी जो है आज। मुझे लगता है कि उसकी परवरिश में हमसे ही कोई कमी रह गई है। आप गलत कर रहे हैं बड़े भैया। बस करो ऋषभ। मुझे नहीं पता था कि चंद रुपयों के लालच में आकर आप इतने नीचे गिर जाएंगे, अपने जमीर को बेच देंगे। दीवार अहिता अच्छान, ये अपना राम भरत वाला मिला, ये बाकड़े पे बैठ के करो। हाँ आर्यन से अभी ना मिले तो ही बेहतर होगा। डॉक्टर साहब मैं उसका बाप हूँ, बाप दुश्मन नहीं हूँ। फिलहाल तो आप उसके लिए उसके दुश्मन ही हैं। आपको पेशेंट को देखने अंदर जाने गए, उसका बारात निकालने नहीं जाने गए। मम्मी से बात करना बेटा। नहीं, 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 प्लीज पापा को मत बुलाना प्लीज। आर यू मैड और व्हाट? बड़ों के लिए आदर धैर्य सहनशीलता इल्ले इल्ले। क्या तुम्हारा कोई भी दोस्त ऐसा है जो तुम्हारे कल्याण की बात करता हो? मतलब तुमने तुम्हारे फ्रेंड लोग की वजह से अपने आप को टपकाने का ट्राई किया? फ्रेंड की वजह से नहीं, पापा की वजह से। आपने अभी अभी किसी को फोन पे उल्लू बनाया ना? हाँ माजी भाई को ला। मैं उसे प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को होटल में खाना खिलाने ले जाऊंगा, लेकिन ये आर्यन बाबा को फिनाइल पीने के लिए कल का ही दिन मिला। वो छोटा बच्चा है, ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है। ऐसी गलती को छोटी मोटी बोलते हो तुम? ये सब मेरी गलती तो नहीं, छोटे भाई की बात सही तो नहीं है? नहीं, एग्जाम में मैं फेल हुआ तब पापा के सामने पहली बार फेल हुआ, सुसाइड अटेम्प्ट करके दूसरी बार। आज के जमाने में ये सब सीख कर बच्चे चपरासी की नौकरी की रेस में भी खड़े नहीं हो पाएंगे। हाँ लेकिन जिंदगी की रेस में तो खड़े हो पाएंगे। पैसे कैसे पता कर पाओगे तुम? I have a plan. विद्या की देवी को बेच दिया? पापा जवाब दो। अरे बोला साहेब बोला। कुछ तो बोलिए। आगमन हुआ है एक शेर का।